गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम राजस्थान सेठों के सेठ सावलिया सेठ जी के पास आए हैं। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ आपको हम बताएंगे, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन। सावलिया सेठ जी, आप आना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आ सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। सावलिया सेठ जी के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में उनके लिए आते हैं, उनके पास आते हैं, अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आते हैं। तो ये बहुत बड़ी, इसकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं बहुत सारी जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यही कि दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे बिजनेस मैन हो, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं सावलिया सेठ अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में, अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज सावलिया सेठ जी को अर्पित करते हैं। और फिलहाल हम ये देखिए बहुत ही सुंदर कॉरिडोर, बहुत ही बड़ा कॉरिडोर दोस्तों, राजस्थान चित्तौड़गढ़ के नज़दीक सावलिया सेठ। आप ये देख सकते दोस्तों अपने श्याम, अपने नटखट श्याम के कुछ लीलाएं यहाँ पे बारी बारी से अर्पित की गई हैं यहाँ पे फोटो फ्रेम में। स्टेट यदि आप आना चाह रहे हैं तो कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे नियर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ या तो उदयपुर, बहुत सारी उदयपुर, यदि आप बाई फ्लाइट आना चाह रहे हैं तो आपको उदयपुर आना पड़ेगा, उदयपुर से आप सावलिया सेठ आ सकते हैं। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो चित्तौड़गढ़ या नीमच MP से, तो बहुत सारी कनेक्टिविटी है सावलिया सेठ आने के लिए, आप ईज़िली आ सकते हैं यहाँ पर और दर्शन कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे आते हैं, हालांकि सबसे बताना दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा कॉरिडोर है ये, और आप यहाँ पे यदि आते हैं तो यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सभी चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और तो आज अच्छा दिन था, बहुत भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हमें हो गए हैं, और मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, दैट्स व्हाई मैं दिखा नहीं पाया। आप यहाँ पे आइए, दर्शन करिए सावलिया सेठ जी के। तो फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे और खास।